राजू विक्की लुधियाना से बाजीराव आप भी आ गए वेरी गुड हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है मेरा नाम है सूर्य प्रकाश और मैं बहुत काम की चीज हूँ मैं रोशनी तो देता ही हूँ साथ में पापड़ वड़ियाँ और कपड़े सुखाने के काम भी आता हूँ पर अब एक मैं सियानी बात करने जा रहा हूँ शराब पीना बुरी बात है क्योंकि इसे पीकर आदमी सच बोल देता है और कई बार फंस भी जाता है हाँ इसको नहीं पीना प्रोग्राम शुरू करो हबीबी सकरते माकरते अबे कहां से हबीबी वो चंदू पछतो बोल ये क्या कर रहा है ब्लाउज प्रेस कर रहा हूं दिखाई नहीं दे रहा अरबी सीख रहा हूं मैं अरबी सीख रहा है हां कौन सी तरी वाली के सूखी सूखी अरबी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं आपको क्या पता आप कभी दुबई गए हो तो पता चले आपको अरबी किसको कहते हैं ये तो जैसे रोज जाके ना बुर्ज खलीफा का दरवाजा खोल के आता है इधर मेरी दुकान की तरफ ध्यान नहीं देना मर्तबान को बंद करो इधर हो जाओ मर ही जाता है एक बिस्कुट देना पड़ जाएगा आपको पता है भाजी एक बार ना 16-17 साल की उम्र में इसकी मूंछें निकले रोने लग पड़ा कहता अब मैं एयर होस्टेस कैसे बनूंगा बचपन में तू कहता था एयर होस्टेस बनेगा तू बताओ चाय पियोगे ये होता है दोस्त आते चाय पूछ रहा है और रात की बची पड़ी मैंने फेंकनी है पाजी आपने तो इतना क्रिकेट खेला ध्यान से देखो इसका मुंह 9 बॉल जैसा नहीं लाना ना तेरे पे कभी जिंदगी में अच्छा काम किया कोई हाँ जी मैंने बच्चा पैदा किया है शर्मा जी आज तो आप जो मर्जी मेरे को बोल दो मेरा बदला जो है ना मेरा बच्चा ही लेगा अरे जिस बच्चे का नाम ही खजूर है वो क्या बदला लेगा खजूर नहीं खजूर जी बोलिए अब पता कितना संस्कारी बच्चा है वो जब भी मैं रात को सोता मेरी मालिश करके सोता है वो मालिश नहीं करता इसकी हड्डियां गिनता है वो रात को मेरे को बोल रहा था कहता अंकल 106 तक पहुंच गया हूं जिस दिन 206 पकड़ ली एक एक करके तोड़ूंगा हाँ नानी बेटा मैं गलती से अपना दांत कहीं रखकर भूल गई जरा ढूंढ दे बेटा अरे ध्यान से देखो नानी मुंह में होंगे मेरे दांत मेरे मुंह में ही है मुझे मेरे दांत मिल गए अच्छा सुन कप्पू हाँ? उस नमक हराम चंदू के पास से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आ मलाई मार के चंदन चंदन नाम है मेरा धो के गिलास धो के देना चंदन नाम है मेरा ये कौन है छोटे मियां खजूर खबरदार तू मुझे खजूर बोला तो छुहारे जैसा मुंह आपका है फिर इसके लिए मुझे बच्चे मजाक उड़ाते हैं मैं नाम मेरे शक्ल के हिसाब से रखो तो बेटे काली मिर्ची अच्छा थोड़ी लगना था आप अपने बेटे के बारे में ऐसा बोलोगे एक बच्चे के बारे में ऐसा बोलोगे ये दुनिया आपको माफ नहीं करेगी पूरे क्लास में मैं अलग दिखता हूँ हाँ बेटे बेंच पे खड़ा बच्चा अलग ही नजर आता है पाजी दुनिया में मैं पहला इंसान ऐसा हूँ जिसने घर में बेटा नहीं बाप पैदा किया है ठीक है एक चाय पिलाओ और दो बोले चाय दे दो अब पैसे मेरे खाते में लिख लेना तू तो अपने बाप को पैसे देगा हाँ मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहता कल को मैं बराबर नहीं बन गया आप तो मेरे घर में आके बैठ जाओगे ओए शर्म कर शर्म मैं तेरा बाप हूँ तो मैं कौन सा आपको मम्मी जी बुला रहा हूँ ये पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया है बासी मठिया खिलाऊंगी आपने अगर काजू बादाम खा के पैदा किया होता तो मैं ऐसे थोड़ी होती बकवास नहीं करनी
पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया करो। हाँ वो तो ध्यान देना ही पड़ेगा, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, सारा होमवर्क गलत कर दिया। ताजमहल आगरा की जगह दिल्ली में क्यों लिख दिया? तुझे पता मेरे बाप ने मेरे को मद्रास बताया था। शुगर करो मैं दिल्ली तक ले आया हूँ, जब तुम्हारा टाइम आएगा आगरा तक ले जाना। वो तो मैं ले ही जाऊंगा, पर अभी मेरी टीचर कंप्लेन करने आ रही है, उसका क्या? मेरे लाल क्यों टेंशन ले रहे हो, जब वो आएगी मैं देख लूंगा ना उसे। आप तो देख लेंगे, पर टीचर ने आपको देख लिया तो स्कूल में मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो मेरा बाप बोला तो। चल चल मैं तेरा बाप क्यों बनूं, मेरे को क्या मिलेगा? काम जो मैं बोलूं, दाम 10 रुपए। चल ठीक है मैं तेरा बाप। यस यस आई हैव टेल हर कि हां हां शी हैज दो डॉटर्स एंड बोथ आर गर्ल्स। यस हेलो मैडम, लॉन्ग टाइम। शट अप, go there, stand up and hand up. Oh, तो आप खजूर के पापा हैं? नहीं नहीं मैडम, ये चाय वाला है। जो पापा का है? मेरे पापा तो आपके पीछे है, हैंडसम से देखो। हेलो नीचे कितने चढ़ गया ऊपर। तो आप हैं इसके पापा जी? ये चाय वाले मैडम के लिए चाय लेकर। नहीं नहीं मुझे चाय नहीं। चाय भी पीने नहीं आई हूँ। अच्छा एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके आओ एंड हाँ प्लीज ऐड सम स्नो इन इट। सेम टू यू। यस आइए। हाँ तुम, वाओ दिस इज वे नाइस इन दोस चेयर्स। देखिए मैं आपसे अपने बच्चे की कंप्लेन करने आई हूँ। अच्छा जी। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और ज्यादा बेकार है, मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग की समझ में नहीं आती है। अरे वाह मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। देखिए बात ये है, डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं बनने वाला है, सब कुछ नहीं आता है। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी सख्ती पेश आइए इसे, वरना ये बिगड़ जाएगा। और मैडम मैं जब भी सख्ती करता हूँ ना ये 911 डायल करके पुलिस बुला लेता है। लेकिन 911 तो अमेरिकन पुलिस का नंबर है। नहीं वहीं की बुलाता है, यहाँ वाली तो लेट हो जाती है ना, ट्रैफिक बहुत है। मनहूस दूध फटता है, कभी कभी सर भी फट जाता है ध्यान से थोड़ा सा। जी आपको पता है इसे इतना नहीं पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है। इतना तो मुझे भी पता है, रोज सब्जी लेकर इधर से निकलती है। हाँ इसीलिए चाय बेच रहे हो। मैडम आप बच्चों से इतने सवाल करती हैं, आपके पति की क्या हालत होती होगी? हेलो मेरी शादी नहीं हुई अब तक। मैंने यही कंफर्म करना था। हाँ डैडी मुझसे बहुत सवाल पूछती है पर मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं देती। मैंने उस दिन पूछा मैडम मैं आपका टिफिन खा लूं, तो कोई जवाब ही नहीं दिया। हैंड्स अप, वो फ्लो फ्लो में नीचे आ गया था। आपको बताऊं इतना बदतमीज है ये, उस दिन टॉयलेट में मैं गई, टॉयलेट में मेरा फोन नंबर लिखा हुआ था। बताइए आप बच्चों के टॉयलेट में क्या करने गई थी? इससे पूछे ये मेरे टॉयलेट में क्या कर रहा था। ओ खजूर, ओ तू इतना बिगड़ गया है, शाम को घर आ फिर तुझे बताता हूँ मैं। ये आपका बच्चा चाय वाले के घर क्यों जाएगा? ट्यूशन पढ़ने जाता है जी। ये ट्यूशन पढ़ेगा नालायक एक नंबर का। हाँ तो वो जो पढ़ाता है वो भी तो नालायक है, वो कौन सा PhD करके बैठा है। देखिए मैडम क्या होता है ना कि आना जाना तो लगा रहता है, बच्चा जाता है तो जाता है, आप मेरे घर में आई, सिद्धू जी हमारे मोहल्ले में आते जाते रहते, इट्स जस्ट गिव एंड टेक। ठीक है जी आप जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, इज माय गोइंग ऑन। वैसे मेरी बात सुनिए, आपको बताए थोड़ा सा सुधार नहीं आप इसको, मतलब परसों मैंने इसे फॉर्म भरने के लिए दिया, माँ का नाम आया इसको याद ही नहीं आ रहा। क्या जस्ट हाँ आप ही बता दीजिए कि आपकी वाइफ का नाम क्या है। बोल बे चंदू वाइफ का नाम क्या है? आपको आपकी वाइफ का नाम नहीं पता? नहीं पता है, हम लोग क्या है ना हमारी फैमिली में सैटरडे संडे वाइफ का नाम लेते नहीं है जी।
थोड़ा शुरू से प्रथा चल रही है. बताओ भी क्या नाम है? ठंडाई देवी. ये क्या नाम हुआ? ठंडाई देवी? हाँ वो एक्चुअली ना क्या बचपन से मुंह में दूध और शक्कर वक्कर डालकर करके तो ठंडाई बनाती रहती थी. मोहल्ले वाले ने ठंडाई देवी कर दिया. ठीक है अब मुझे ये बताइए कि इसका जन्म कब हुआ था? इसका उस दिन बादल आए थे, मतलब पूरा रोमांटिक मौसम था और पूरा ऐसे बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी. उसके ठीक 9 महीने बाद हुआ जी ये. आप जो बोल रहे मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन चलिए मान लेती हूँ. ये बताइए कि ये किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? मैडम हॉस्पिटल में जी, इसकी होम डिलीवरी हुई थी. होम डिलीवरी? जी जी, ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना जी. नहीं नहीं, आप समझ नहीं. देखिए जो बच्चे घर में पैदा होते हैं उनको आपके उधर के उधर क्या बोलते हैं? होम डिलीवरी. तो वही तो बोल रहे हैं, होम डिलीवरी हुई ना. बस एक बात तो है, आपसे ज्यादा आपके बच्चे के बारे में इस चाय वाले को पता है? उसी का दूध पी के बड़ा हुआ ना जी. उसकी दुकान पे बैठा रहता है. शर्मा जी, आपने क्या बोला? ये आपका बच्चा है? आपको अभी एंट्री लेनी थी. नहीं वो क्या है, मैं अभी अभी इसका बाप बना हूं. क्या? आप एक दिन में इतने बड़े बच्चे का बाप बन गए? मैडम 4G का जमाना है, क्या कर रही हैं आप? आप देखिए, आप तो टीचर हैं, आप साइंस समझती हैं. हाँ ये तो है. उस हिसाब से ना. लेकिन देखने में आप शादीशुदा जैसे नहीं हो. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं शादीशुदा हूं ही नहीं जी. क्या? हाँ, आप यू कीप ऑन फ्लर्टिंग. आप शादीशुदा नहीं है तो क्या ये बच्चा अगरबत्ती के पैकेट में से बाहर आ गया? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं इन्हीं का बेटा हूँ. आपको विश्वास नहीं होता, हम दोनों ने जूते पहन रखे हैं. देखो. Shut up. Me talk, he talk. Why you talk, middle talk? Hands up. मतलब आपने ये बात पूरी सोसाइटी से छुपा के रखी? नहीं नहीं, आप देखिए, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते. कल को मैं आप बोल दूं आप मेरी गर्लफ्रेंड है तो आप मान लेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं. लेकिन आपने तो बोले कि आप इसके बाप हैं. आप औरत ना होती, आपका झुंडा मरोड़ता है मैं पकड़ के. आप बार बार क्यों? देखिए मैडम, सच आपके सामने है, मैं इसका बाप हूं या ये मेरा बाप है. इस तरह शैतान है कि ये मेरा भी बाप है, तो इसलिए कोई किसी का बाप है नहीं वैसे. पर आप इसके बाप हैं. देखिए आपके एंगल से मैं इसका बाप हूं ना. हाँ. देखिए जैसे मेरे एंगल से आप उसकी टीचर है, तो सबके एंगल से आप टीचर हैं, लेकिन आपके बाप के लिए तो आप बेटी है ना. जैसे ये नर्स है, आपके एंगल से मेरे हिसाब से तो डार्लिंग टाइप हुई ना. सिस्टर होगी अपने ब्रदर की. एक मिनट, मैं सोने जा रहा हूँ, अगर सब कुछ क्लियर हो जाए तो मुझे जगा देना. एक सेकंड सब कुछ क्लियर हो जाए मारूं एक. देखिए आप इसकी मम्मी को कॉल, उनको बताने दीजिए कि सब कौन किसका बाप है, कौन किसका बच्चा. कॉल. देखिए मैं इसकी मम्मी से मिल चुका हूँ, अच्छी औरत है. आपको मिलने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी इधर है नहीं. मैं मम्मी... इसकी माँ हूँ. लेकिन आपका माँ बन गई. कप्पू पापा बन गया तो मैं भी माँ बन गई. बट ये कैसे? तुम चुप रहो, शर्म नहीं आती दूसरे के पतियों पे डोरे डालते हुए? जाओ अंदर जाके काम करो. आइए मैडम आप बैठिए. हाँ जी बोलिए. मैं इसकी माँ हूँ. नहीं नहीं, इसकी माँ हूँ. जाके पोले के 2 बूंदे पी के आओ पहले. कोई माँ नहीं है ये. ये भी इसका बाप नहीं है. सारी पोल खोल दूंगी मैं. क्या 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 पोल, क्या पोल? अरे इसने मन्नत मांगी तो पोल पे धागा बांधा के थी, वो खोल दूंगी. और ये मेरा बेटा, मेरा सोना. कोई शरारत तो नहीं की तुमने? नहीं दीदी, मैंने कोई शरारत नहीं की. दीदी एक मिनट, इसने अपनी माँ को दीदी बोल दिया? दीदी बोला पागल बोला दीदी. अरे मैं इसका कसूर नहीं, बच्चा ना ये जब पैदा हुआ था ना तो ये मायके गई हुई थी, तो उसको आइडिया नहीं है. लेकिन आपने तो कहा कि बच्चा होम डिलीवरी हुआ था. होम डिलीवरी हुआ ना, अस्पताल में हुआ ना बच्चा. लेकिन होम डिलीवरी तो अस्पताल में कैसे हो गया? अरे तो इनका घर ही अस्पताल में है ना, ये मायका है ना इनका. ग्राउंड फ्लोर हॉस्पिटल, टॉप फ्लोर घर. ये 50 हॉस्पिटल है ना, जो 4-सीटर हॉस्पिटल है. सारी फैमिली बेड पे सोती, मरीज के सोने के लिए जगह नहीं है. एक बात बताइए मुझे, आप बताने की शक्ल तो मिल नहीं रही है इस बच्चे से, बल्कि इसकी शक्ल तो चाय वाले से मिल रही है. अब सारा दिन खिड़की से चाय वाले को देखता रहता है तो उसी भी शक्ल जाएगी ना, हो जाता है. अब सारा दिन एक दूसरे को देखते रहो, शक्लें मिलने लगती हैं. तो
ठीक एक बात बताइए जी कि आप दोनों मिले कहाँ थे? बीच पे। जंगल में। क्या कह रहे जंगल? आप कह रहे हो बीच? जंगल के बीच में मिले थे जी। जंगल के बीच में को कैसे मिल सकता है? एक सेकंड, आप टीचर हैं या रजत शर्मा? इतने सवाल कौन पूछता है? देखिए देखिए, चलिए छोड़िए, आप इसकी मम्मी है ना जी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चे पे। मतलब क्या वर्ड्स? इज अ हाइजीन इज द फिफ्थ बैड थिंग। इसे मतलब ये ब्रश भी नहीं करके आते, इसके मुंह से तेरी बदबू आती है ना। चल इन। अब मैडम क्या करे, एक ही ब्रश है, कल इसकी बारी करके आएगा। बारी बारी से करते ना हम लोग। गॉड, मुझे चक्कर आ रही है। माय हेड इज लाइक घूमिंग एंड घूमिंग। एक सेकंड, पूरी कंफ्यूज हो तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? कंफ्यूज्ड औरत। वैसे एक बात बताइए, आप अपने शादी करने में थोड़ी जल्दी नहीं करती? मतलब थोड़ी वेट कर लेते तो शायद थोड़ी ऑप्शंस मिल जाते। मैं कितनी बार तो कह रहा हूँ ये मेरी वाइफ नहीं है, आप समझ नहीं रही हैं। देखिए आप बोल रही हैं आपकी वाइफ नहीं है, वो कह रही कि वो इसकी माँ है, और आप कह रहे वो आपका बच्चा है। आखिर बच्चा है किसका? देखिए मैं मानता हूँ ये मेरा बच्चा है, पर मैं ये नहीं मानता हूँ ये मेरी बीवी है। पर ये मानती है कि मैं इसका पति हूँ। हर एक का अपना अपना मानना होता है, विश्वास होता है, उंगली नहीं उठानी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा ये क्या लॉजिक हुआ भाई? इज इट टोटल इज द कंफ्यूजन इज माय गोइंग ऑन। आई एम सेइंग द सेम थिंग ऑन द रोड ना। मैंने सुना है कि तेरा बेटा हुआ है। नानी ये तो आलू है। चुप कर, मुझे मत समझा। अरे मेरा मुन्ना कहाँ है? नानी मैं इधर हूँ। अरे कप्पू, इसकी आवाज तो एडल जैसी है, ये अचानक इतने बड़ा कैसे हो गया? ओ नानी, थोड़ा भागते भागते बड़ा हो गया, जैसे फिल्मों में होता है ना, भागते भागते हीरो बड़ा आ जाता है, थोड़ा फिल्मी बच्चा है ना। जो भी हो कप्पू, तेरी वजह से हमारे खानदान में चिराग आया है। अरे इस चिराग को पैदा करने वाली बहू कहाँ है? बहू 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 इतनी कड़क कैसी है? हाँ जिम करती है? नहीं, मैं टीचर हूँ। वाह कप्पू वाह, सरकारी नौकरी करने वाली बहू लाया है तू? अरे वाह, अब जिंदगी भर हमें पेंशन मिलती रहेगी। आपकी नानी को दिखता नहीं है? अरे वाह, कितनी ऑडियंस भी बैठी है। इतना गंदा अस्पताल जी। नानी मैं हूँ आपकी बहू। ए खबरदार, मैं नानी के पैर छुए, लात मार, लात मार नानी। जो भी हो तू चुप कर। बहू। हाँ नानी। इधर है। इधर। ये ले तिजोरी की चाबी रख। तिजोरी की चाबी? लेकिन मैं इतने सारे गहनों को कैसे संभालूंगी नानी? कौन से गहने? नानी जो तिजोरी में है, जिसकी चाबी आपने दी है। तिजोरी कहाँ है? पिछले 5 पुश्तों से सिर्फ चाबियां ही चल रही है। अपने बाप को बोल के तिजोरी लगवा ले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डैडी से बोलकर एक तिजोरी भी बनवा लूंगी। ये गुलाटी की बेटी है? हाँ नानी। अरे सिद्धू जी भी आई है। सस्विता जी भी आई है। कैसे आए तुम यार? जो भी हो एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे जीते जी गुलाटी की बेटी इस घर की बहू नहीं बनेगी। ये छोटी गुलाटी चाबी दे। चल मुन्ना। आई एम कमिंग। चल घर पीछे है। पता है? पता है? नानी इधर। अरे
रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता बजा तो रिश्ता पक्का हुआ, ढोलकी गाने बजा रहा तो रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया, मुबारक हो भास्कर, मुबारक हो बे, रिश्ता पक्का, मुंह मीठा करो। रिश्ता किसका हुआ है डैडी? मेरे प्यारे प्यारे बेटे का। लड़का सलमान खान है। एक मिनट, इनका रिश्ता हो चुका है, इनका तो बच्चा भी है। हैं? अभी रिश्ता हुआ, बच्चा भी हो गया। सुना था बच्चे फास्ट हैं, पर इतने फास्ट हैं मेरे को नहीं पता था। कौन है, कहाँ है बच्चा भाई? मैं हूँ बच्चा। ले ये बच्चा, मेरे को पता नहीं ये बच्चा चाय वाले का बच्चा है। तो मैंने कब कहा है मेरा बच्चा नहीं है ये? ये हो क्या रे बस कोई कौन से मैं थी कंफ्यूजनिंग। ये बोल रही है इनका बच्चा है, मतलब ये बोल रही है इनका बच्चा है, किसका बच्चा है? बच्चे भगवान के होते हैं। तो फीस मुझसे क्यों भरवाते हो फिर? देखिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो गया कंफ्यूजन से। ये बोल रहे कि ये बच्चा है इसका, ये बोल रहे कि इसके बाप है, आप बोल रहे कि आप इनकी बीवी हैं, लेकिन ये बोल रहे आपकी बीवी नहीं है, लेकिन आप बोल रहे कि आपका बच्चा है। तो ये बच्चा है किसका, कहां से आया ये? स्कूल से है। देखिए मेरे को चक्कर आ रहे हैं। भाई मुबारक हो भाई, एक और बच्चा आने वाला है। नर्स, नर्स आ जाओ, नर्स। अरे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर। नहीं नहीं एक मिनट, मेरी शादी भी नहीं हुई है तो मेरी माँ कैसे बन सकती हूँ? शादी तो मेरी बेटी की भी नहीं है, फिर ये कैसे माँ बन गई यार? अब तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब सच्ची कह रही हूँ मैं तो, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस 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 मैं बुलाती हूँ पुलिस। पुलिस इतनी जल्दी आ गई, ऐसे कैसे? कोई ऐसे कैसे नहीं, बाहर खड़े एंट्री की वेट कर रहे थे और क्या। पहले तो पुलिस ही आती थी, आज जीप खुद ही वर्दी पहन के आ गई। अरे भाई तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे। मैंने सीटी मारा, मैंने आपको बुलाया। जाओ भाई, नर्स मेरी है, सीटी इसको क्या मारोगे भाई तुम? लेकिन बात ये है कि मैं आई एम इन लव विद हिम। क्या तुम्हारी शो में कास्टिंग इसलिए की थी? इस पे लाइन मारो। नहीं 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 नहीं, यूनिफॉर्म की वजह से। अच्छा यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। देखिए हो क्या रहा है यहां पे, इंस्पेक्टर साहब मैंने आपको बुलाया, आपको पता करना है कि इस बच्चे का बाप कौन है। देखिए पहले तो आप मेरा नाम ठीक से लीजिए, इंस्पेक्टर DIG दामोदर ईश्वरलाल गायतोंडे। ठीक है, आपका नाम बोलने से तो नेम इसलिए कहेंगे सर रेफरेंस से खुद। देखिए आप यहाँ पे आए हैं, आपको पता लगाना है कि इस बच्चे का बाप कौन है। यह तो बड़ा आसान है, इसकी माँ से पूछ लो। हाँ तो वो खड़ी इसकी माँ पूछे। आपकी वजह से तो मैंने यहाँ पर पोस्टिंग ली थी और आप माँ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, देखिए खबरदार मुझ पे लाइन मारी तो शर्म आनी चाहिए आपको, हाथ में डंडा और आप लाइन मार रहे हैं, डंडा मारो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी सोसाइटी की इज्जत का सवाल है, इस मामले को हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, आप कृपया जाइए यहाँ से प्लीज। इंस्पेक्टर DIG और आंखों से निकला आंसू कभी वापस नहीं जाते। वाह भाई वाह वाह वाह, DIG साहब इतना रोमांटिक शेयर, सेव वन फॉर मी आल्सो ना। इससे अच्छा तो शेयर मैं बोल लेता हूँ। अच्छा हाँ वाह वाह करो। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, वाह निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ये कमजोर सा बच्चा थोड़ा सा घी चाहता है। लाना था तेरे शेर पे, बकवास है। खाने पीने की बात ऊपर उठते नहीं है ये शेर, तो इससे अच्छा मैं सुना देता हूँ आपको। अच्छा सुनाओ सुनाओ। चुप रहे। अर्ज किया है, दिल में है तू है, आंखों में है तू है, दिल में है तू, आंखों में है तू, क्या मुंह है आथू। ये कोई शेर है? दिस इज नॉट अ शेर, शेर मैं सुनाता हूँ। इधर सुना दो, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा।
अच्छा अर्ज किया है? वाह खबरदार अगर नजर डाली तो आगे आगे से देखना नहीं इसकी तरफ। वाह वाह अब मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूँ इसकी तरफ देखना नहीं है। शेर तो मैं अब सुनाऊंगा। अच्छा सुनाओ सुनाओ। ये नहीं है सड़क पे गिरा हुआ पर्स। वाह 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 अब मरो अब कहो वाह वाह वाह। ये नहीं है सड़क पे गिरा हुआ पर्स ये तो है मेरे पर्सनल नर्स। बस तो कोई किस तो अंदर से तो मुशायरा है सके हैपने किस तो देखिए आप ऐसे पता लगाइए कि इस बच्चे का बाप कौन है। अरे देखिए ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है मैं तो अंडा देख के बता देता हूँ कि ये मुर्गी का अंडा है। आ, आ, मुर्गियों के व्योमकेश बख्शी यहाँ पे इंसान के बच्चे का बाप पता लगाना चिकन नहीं ढूंढना। आपको नहीं लगता कि आप पुलिस को थोड़ा ज्यादा हल्के में ले रहे हैं? आपको कोई हल्के में ले सकता? ये क्या है? ये मेरी हंसी है मैं हंस नहीं सकता। देखो भाई अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर हमको जानने के लिए साइंटिफिकली ऑफ द हीमोग्लोबिन के लिए इसका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। करो करो जी करो मैथ के टेस्ट में तो हमेशा फेल होता है देखते हैं डीएनए पास होता कि नहीं होता है। हाँ जी चलो चलो डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट करो। हाँ हाँ करते हैं पैन कार्ड निकालिए। पैन कार्ड ये पैन कार्ड और डीएनए टेस्ट का क्या लेना देना? अच्छा कोई लेना देना नहीं है फिर कैसे होता है आप बता दो। यू हैव एनी आइडिया? बच्चे के बिल को लेके 18,000 रुपए। तू खाना खाता है लेके आके बेचता है पकड़ इसका। ये है ना ये बनेगा। देखो जी मैं 10 रुपए लेके 10,000 रुपया मैंने नहीं भरना। पकड़ दे अपना 10 रुपए। मेरा कोई बच्चा बच्चा नहीं है ये। हाँ। मैं तो व्रत रखा हुआ है। नहीं आप क्या रखना आपका बच्चा पैसे। डैडी चलो भाई चलो चलो भाई खाली हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगता। आने का वक्त हो गया मैं चलता हूँ मेरा कुछ नहीं। थैंक यू। अरे लेकिन कौन भरेगा तेरे पैसे कौन भरेगा? डैडी डैडी बाजी क्रिकेट का हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कितना क्रेज है इसका जीता जागता सबूत है आईपीएल। स्टेडियम भरे पड़े हैं एंजॉय कर रहे हैं लोग चीयरलीडर नाच रही है एंजॉय हो रहा है। पर बाजी इसका श्रेय आप सब तमाम क्रिकेटर्स को जाता है जिन्होंने इस खेल को कहां से कहां पहुंचा के रख दिया। और इन्हीं में से एक ऐसे क्रिकेटर को आज मैं यहां पे इनवाइट करने जा रहा हूं जिनको ताउम्र बेस्ट बॉलर्स की जब भी गिनती होगी तो उनको याद किया जाएगा। मैं बुलाने जा रहा हूं आपके बड़े खास दोस्त हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए मिस्टर वसीम अकरम। लग जा गले मेरे दोस्त और मेरी दिलो जान बन जा। मैं तेरी गीता बन जाऊं और तू मेरा कुरान बन जा। क्या बात आ, आ कुछ मोहब्बत की ऐसी मिसाल कायम करें मैं तेरा पाकिस्तान बन जाऊं और तू मेरा हिंदुस्तान। अरे नजारा आ गया नजारा आ गया। आप आ गया कैसी लग रहे हैं छोड़ के गया था आपको? आप सर मुझसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। सांस तो लेने दो 2 मिनट क्या हो गया? पाजी कमाल लग रहे हैं आप पठानी सूट में यार। थैंक यू वेरी मच। जब भी आप आते हो मैं छोटा लग रहा था। पर्सनैलिटी ऐसी है
तबीयत खुश हो जाती है। मैं ही नहीं अकेला, देख लो बाजी आपका जीता जाता सबूत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आते ही मतलब है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा, आपने नया एक वेंचर शुरू किया। आपको बताता चलूं, इंडिया में तो इनके फैन है ही है, दुनिया में भी है, मगर पाकिस्तान में इनकी बहुत फैन बेस है, बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं और आपको बड़ा प्यार करते हैं। वो कुछ कहना चाह रही, उनको बहुत ज्यादा तेज आ रहा है। वसीम जी आपसे मुझे कुछ कहना है। 20 साल पहले आप इतने हॉट थे, आज भी हो। हाय हॉट क्यों बोल रहा है, आपका हाथ जला दिया था इन्होंने। नहीं, ये वो वाला हॉट है जिसमें हाथ नहीं जलता है, दिल जलता है। क्या बात है। और वसीम जी आप जब भी बॉलिंग करते थे और जब भी आपके बाल उड़ते थे और जो आपके बाल देख के हम लोग घायल होते थे, आज भी मैं आपके बालों को हाथ लगाने चाहती हूँ। मैं टीवी में लगा देती थी हाथ, आज मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल पर्सनली हाथ लगाना चाहती हूँ। आप लगाइएगा हाथ, पूरा कंघी करिएगा बालों को। आराम से जुए भी निकालिएगा आपका पूरा। दो मिनट आदमी को चाय पानी तो पूछ लो यार, वो तो आ भी गई, उन्होंने पूछा भी नहीं। आइए जी आइए, बिल्कुल आइए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। प्लेजर मीटिंग यू। वेरी ग्रेट। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। इंडिया को कभी सिखा रहे हैं, इंडिया के गाल खींचने और मेरे पहले बड़े निकल रहे हैं। आज हो क्या रहा है? आप बड़े क्यूट लग रहे हो। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। हां जी, हमें लूट लो, सबको लूट लो, हमला कर दो। अरे जी जी जी, थैंक यू मैम। मैं कौन सी? वेरी हैंडसम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेरी हैंडसम एंड वेरी हॉट। ओ मैं भी हॉट। यू नो आजकल लोग कई दफा एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ। और अदर डे मुझे एक 60 साल के बुजुर्ग मिले। हाँ। मुझे कहते जब मैं बचपन में आपको देखता था तो बड़ा खुश होता था। मैंने उन्हें कहा आपकी उम्र कितनी है? कह रहे जी 60 साल। मैं कह यार मैं अभी 50 का भी नहीं हुआ, इतना बूढ़ा नहीं हूँ, 100 साल का नहीं हूँ कि आपके बचपन में। नहीं, प्यार है लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। अच्छा वसीम भाई की लड़कियां तो फैन है ही, मैंने देखा है इनका करिश्मा ऐसा है ना, तो आसपास आए। मैं अभी वानखेड़े में मुझे जाने का मौका मिला, मैंने देखा जहाँ पे आप बैठते हो ना वसीम भाई, डग आउट। हाँ, तो चीयर लीडर बिल्कुल आपका व्यू बड़ा अच्छा है, जैसे सीवी होता है ना, इनका चीयर लीडर व्यू मिलता है इनको। तो ये आपने बोल के बिठवाई होती है अपने पास, जगह दिलाई उनको। बिलीव मी, ये मैं नोट कर रहा हूँ, पूरे आईपीएल में चीयर लीडर्स प्लेयर से कम अज कम तो 3 मील दूर होती है। उनको नहीं पता बेचारों को? नहीं, हमें टीवी पे नजर आती है जैसे तुम लोगों को आती है। तो मतलब आपका ये कहना कि आपके पास होती नहीं वैसे? नहीं, वो एक तो अब आई थिंक वो प्लेयर्स की पार्टीज में भी नहीं आ सकती, पहले आती थी तो अब मना कर दिया उनको। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, यंगस्टर्स के लिए। अच्छा पाजी, उनकी टाइमिंग मैंने देखा है बड़ी कमाल की होती है उनकी। कैसे? वो ना ऐसे एक बार नाच के आ गई ना ये वो। हाँ। तो फिर वापस आ गई। हाँ। तो फिर आके बैठ जाती है। अच्छा जैसे प्लेयर ने बॉल डाली ना, बैट्समैन ने हिट किया, बॉल हवा में होती है, उनको आइडिया लग जाता है कि सिक्सर होने वाला है, जब तक बॉल बाउंड्री पहुंचती वो भी पहुंच जाती है, बड़ा इंजॉय करती है। उनको विराट कोहली बड़ा परेशान करता है, वो बैठती नहीं, हवा में रहती है। उनको होता है कि अब गए, क्रिस गेल उनको बड़ा थकाता है। तो कुछ प्लेयर्स हैं जो बेचारे छह लीडर्स के पूरे पैसे वसूल करते हैं, जो विराट समझ में नहीं आता आईपीएल में किसकी तरफ से है, वो हर चौके छक्के पे इंजॉय कर रही भाई की शादी हो चलो। पर वसीम भाई मेरे मन में एक सवाल है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया आज तक। वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान कभी भी इंडिया से क्यों नहीं जीत पाया? एक पाजी फैक्ट है। वैसे अगर रिकॉर्ड देखा जाए पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैच जीता हुआ वर्ल्ड कप में, हम कहते चलो यार तुम भी थोड़ा कुछ जीत लो। नहीं मगर ये क्वेश्चन जब मैं इंडिया आता हूँ या जिस चैनल के लिए भी काम करता हूँ, वर्ल्ड कप हो जाए सही, वो ये क्वेश्चन पूछ के सत्यानाश ही मार देते। इनको पूछो 96 में जब वर्ल्ड कप हुआ ना यहाँ पे, तो वसीम भाई इंजर्ड हो गए, पाकिस्तान गया मैच हार, तो अगले दिन जब फ्लाइट हुई तो बाकी सारे पाकिस्तान गए, वसीम भाई इंग्लैंड गए। नहीं, पाकिस्तान से फोन आया। हाँ। पीसीबी का कि आप प्लीज डायरेक्ट लाहौर ना आए, कहीं और चले जाए। तो मैं कप्तान था तो मैंने उन्हें कहा यार मैं अपने घर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा भाई। तो यही रीजन था नहीं आपने ससुराल ऑस्ट्रेलिया में चुने जाके। अभी भी रिसेंटली एशिया कप में जब पाकिस्तान टीम हार गई तो
तो वहां पे किसी ने टीवी तोड़ दिया और बैठ के रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मैं क्या और बोल रहा है सारी टीम चले जाओ यहाँ से, पाकिस्तान छोड़ दो। ले 2200 रुपए का टीवी तोड़ के तू इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है। खैर वसीम भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। वसीम भाई आप प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। अच्छा बाजी, अभी ना हाल ही में T20 वर्ल्ड कप मैंने देखा, अभी इंजमामुल हक इंजमाम भाई अफगानिस्तानी टीम को कोचिंग दे रहे हैं जी, तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी वही सिखाते हैं। इंजी ये मजाक कर रहा हूँ, प्लीज नाराज ना होइए। आप बड़े ग्रेट प्लेयर हो, इंजी ने देख लिया ना ये इंजी स्ट्रॉन्ग भी बड़ा है। पर एक बार ना वो इंजी ने जो जब वो शोर शराबा हुआ था वो क्राउड में घुस के उसने क्राउड वालों को मारा था। मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं इंजर था तो टोरंटो का स्टेडियम नहीं था, वो छोटी सी ग्राउंड थी कि ये आपकी बाउंड्री है यहीं लोग बैठे हुए हैं जी। वो एक कोई इंडियन नजर आते थे, उसने वो स्पीकर पकड़ के आलू आलू और इंजी ये खड़ा है, या तो ना बंदा छुप के कह दे या इधर उधर करके कह दे। अब इंजी ये खड़ा है, इंजी बड़ा स्ट्रांग बंदा है 6 फुट 3 इंच का, भाई तू देख ले भला। अब इंजी ने 12th man को बुलाया, 12th man गया मोहम्मद हुसैन, हमारा एक क्रिकेटर था बेचारा लाहौर का, बेचारा तो नहीं मतलब लाहौर का। इंजी कहता मुझे बैट चाहिए। अब 12th man ने नहीं सोचा यार 3rd man पे फील्डिंग कर रहे हैं, बैट क्यों चाहिए। 12th man गया है, बल्ला लेके आया है, इंजी को बल्ला दिया है, ओवर खत्म हुआ, इंजी ने छलांग लगे बल्ले के बल्ले से बंदे को मारना शुरू कर दिया, इंजी पे केस हो गया वहाँ। उसके बाद 99 पे दिल्ली में इंजी अगेन वॉज बैटिंग वेल, मैं गया नंबर 8 पे। अब इंजी को पूरा स्टेडियम शुरू हो गया, वो बेचारा वो आलू आलू कहना, जो कि मैं कप्तान था, मैं इंजी के पास गया, मैं कहा इंजी तूने गुस्सा नहीं करना, आउट नहीं होना रैश शॉट मार के। कह रहे आप वसीम भाई क्या बात कर रहे हैं, 40,000 बंदा आपको आलू कह रहा हो, गुस्सा क्यों नहीं करना। बड़े बड़े किस्से होते हैं एक्चुअली है ना, जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो कहीं पे तो मैच हो रहा है, श्रीकांत सर ने सुनाया था किस्सा तो बोलते लड़की आ गई पूरे कपड़े वपड़े निकाल के, उसके बाद आउट ही हो गए थे ना वो मेरे ख्याल से। वो एक दफा इंग्लैंड में हम खेल रहे हैं, जब मैं बैचलर था 92 तो लॉर्ड्स में एक लड़की आ गई, मैं तो दूर से तो बहुत अच्छी लग रही थी। वो भागी, उन्होंने शर्ट कोई बगैर कपड़ों के पास आने लगी, पुलियो पकड़ लिया उन्होंने, मैं कहा पास तो आने दो इसको भाई पहले। वैसे मैं जब अभी मैं मैच देखने गया ना मैंने, तो वो टीम मीटिंग होती ना मैच को पहले, ये ऐसे करके क्या सलाह करते हैं सारे हडल 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 आई थिंक एक रूटीन बनी हुई है, आते हैं बस कम ऑन यू नो। अच्छा मतलब जान लगानी है, बी ऑन द बॉल, 120 गेंदें हैं, हर गेंद पे जान लगानी है, विकेट नहीं गिरी तो शोल्डर नहीं गिराने, एंड दैट्स इट। कोई उसमें खास इतनी बात नहीं होती, मुझे लगता है ऐसे करके करते हैं मोटिवेट। देख देख पीछे पीछे इसके भविष्य वाली देखी जरे। वैसे तेरी भाभी बैठी हुई है कपिल, ये बात हमारे दौर में होती थी, अब आजकल के बच्चों में तो कुछ कर ही नहीं सकते ये बेचारे। एक तौर पे वकार बड़ा नॉटी था जब नया नया आया, तो उसके साथ हमारे एक फिजियो थे डॉक्टर असलम मरहूम, बड़े वी वर 75 देन 89। तो वकार को उसका इमरान भाई ने कहा तुम इसके रूममेट बनोगे, तुम बड़े बदमाश हो, अब डॉक्टर साहब इस पे नजर रखना। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है जी। वकार ने डॉक्टर साहब की घड़ी 4 घंटे पीछे कर दी। 2 महीने डॉक्टर साहब को पता ही लगा। 2 महीने वकार 2 बजे आए, डॉक्टर साहब के जल्दी आ गए। हम कर्फ्यू वर्फ्यू तोड़ के 11 बजे कर्फ्यू को सबको सुला के 12 बजे निकलते थे पार्टी वार्टी करके आगे। आजकल के बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते, ये ट्विटर पे गया तुम गए। एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा कि ऐसे कहते हैं कि उनको ये पूछना कि पाकिस्तानी टीम में सबसे ज्यादा हैंडल करना किसको मुश्किल लगता है। आई थिंक सबसे मुश्किल जो था, मुश्किल से मुराद वो शोएब अख्तर था, झूठा बड़ा था। शेवी अगर तू सुन रहा है यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और कसम तो ऐसे ही खा जाता था, अल्लाह पाक की कसम इसी में मैं था नहीं रहा। जब कैलकटा में शोएब बिकेम शोएब अख्तर, जब उसने 2 बोल्ड किए ना वो राहुल को और सचिन को, ताज बंगाल में ठहरे थे, नीचे नाइट क्लब था, मैं कहा तू नाइट क्लब नहीं जाना करे वसीम भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, मैं पागल हूँ। मैं 12 बजे गया था, कमीज उतार के स्टेज पे डांस कर रहा है। मैंने भाई से जाके इसका कान पकड़ा है और सीधा से कमरे में ले गया। सचिन,
नानी? हाँ? अरे वसीम अकरम आया है यहाँ पे। अरे तुझे दिखता नहीं है, सचिन आया है, सचिन। सचिन, अरे बोल बोल के बहुत थक गया होगा, ले मुंह मीठा कर ले। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया है। वो क्या है कि अभी एक्चुअली बच्चों के लिए दे दो। अच्छा? लेकिन कहाँ से लेगा? अरे मेरा मुंह में डाल दो बच्चों के लिए। तू अपना मुंह आगे ला, एक मिनट। ये रख ले तू। भाई मेरी ना नानी को थोड़ा कम दिखता है, ऑपरेशन खराब हो गया ना, ये हमारा पड़ोसी है मोहन, ये झूठ बोल बोल के ना बेचारी को लूटता रहता है। ओ कोई सचिन नहीं है बाजी ये। क्यों बे नानी, इतना शोर क्यों मचा रखा है भाई तूने? अरे बुढ़ाओ शोर क्यों नहीं मचाऊंगी, तुझे पता है सचिन आया हमारे घर। अच्छा सचिन आया, तेरे घर पे धूप नहीं आती, सचिन आया। अरे अग्रम साहब क्या हाल है जी? बस ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? हाँ जी ठीक ठाक है, कोई भी इलाज करवाना हो, टीका लगवाना हो, दवाई लगवानी हो, साइकिल पंचर लगवाना हो, मेरे से संपर्क करें आप। बस मेरी आंखों का ऑपरेशन ना करना भाई, जो मर्जी कर दे। नानी यहाँ देख। किधर? इधर देख, वसीम आया है। क्या वसीम आया है? एक मिनट, एक दो तीन। नानी इधर आ चुका, इधर बैठो, इधर देखो। हाँ आपको पता है हमारे घर में दो दो महान क्रिकेटर आए हैं। कौन? मैं, अरे वसीम और सचिन। हाँ, 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 मैं तो कहती हूँ एक एक एशिया कप हो जाए। अरे वो अभी नहीं है, वो फिर कभी करेंगे, क्योंकि सारा कप झूठा हो गया है। नानी? हाँ? तेरा सचिन साउथ इंडियन बोलता? अरे वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा देर पहले मैं इडली खाया था, इडली इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ये मुझे क्रिकेट सिखाएगा मुझे? आ जाओ बाबा पीछे में, आ जाओ पीछे में। किधर? इधर इधर। ये बल्ला है, कुछ तो दे, घुमाऊंगी क्या? वो क्या है? चलता रेडी? हाँ हाँ। वाह रे वाह, क्या शॉट मारा है! अरे चार रन, अरे गुड शॉट, अच्छा था। नानी 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 नानी, जरा बॉल ढूंढ के आओ। बॉल? हाँ। मैं मारूं? मैं लाऊं? यस गो गेट इट, ये भी अच्छा है, गो गेट इट, पकड़। ऑल द बेस्ट। ये तो पकड़। वो वर्ल्ड कप याद है 2003 वाला? अरे ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकता हूँ, मैंने आपको ऐसा पॉइंट के ऊपर मार के छक्का मारा था। मुझे नहीं भाई, वो शोएब अख्तर को मारा था। लेकिन शोएब तो कह रहा था कि मैंने आपको मारा कर गया। ओ, कोई बात नहीं, मैं बॉलर लोग के बीच में भेदभाव नहीं रखते साहब। वो मैच याद है जिसमें 10 विकेट गिर गए थे? हाँ ऑफ कोर्स याद है, मुझे 10 विकेट गिर गए थे, उसके बाद मैं ग्राउंड में आया था। 10 विकेट गिरने के बाद कौन ग्राउंड में आता है? अरे स्कूटर का चाबी घूम गया था, वो ढूंढने आया था। चलो ठीक है, आप सचिन है ना आज? यस यस। आप सचिन है तो आप यहाँ वसीम अकरम भी, आज एक मैच हो जाए। चलिए। अरे अरे मेरा भी क्रिकेट से संन्यास लिया है। कोई बात नहीं, संन्यास वाली गेंद डाल देना। अरे छोड़ देना यहाँ पे, काहे को ऐसा खाने को। चलो आओ। अरे नहीं आइयो, मैं आओ खेलो खेलो। अरे डैडी को ऐसा स्टेशन में रिसीव करना है। हां तो डैडी आप तो बोल रहे ना, आप असली सचिन है। चलो मैं बॉल, क्रिकेट का बॉल देना यार, क्रिकेट वाला बॉल, क्रिकेट हैवी वाला, हैवी वाला, हैवी वाला बॉल देना, क्रिकेट बॉल टफ हार्ड पत्थर जैसा था, पत्थर ऐसे है यार, कड़वा लग रहा है। ए मम्मा, ये लो भाइयो, ये लो, रेडी रेडी सर, मार गया, पकड़ा गया। आप भी कभी गुजारे कुछ दिन हमारे टॉयलेट में?
हाय साहब, डॉक्टर मशहूर गुलाटी। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बस आजकल किस का इलाज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्पेशलिटी क्या है आपकी? बहुत ज्यादा स्पेशलिटी है। खड़े क्यों डॉक्टर साहब, इधर बैठिए ना आप। अच्छा बैठिए आप, आराम से बैठिए आप। तो यहाँ से कौन बिठाता है भाई? तो ऐसे किसी के घर में कौन आता है? हथौड़ा लेके बैठिए, बैठिए उधर बैठ जाइए। उधर आपने सामने बैठ के बात करी ना, इधर बैठ जाइए। गुलाटी इधर से पास पड़ते हैं। बैठिए बैठिए, यहाँ पे आराम से बैठिए अभी। जहाँ मर्जी बैठ जाओ आप यार। ओके अकरम साहब, आप ब्लड प्रेशर लेंगे या सीटी स्कैन क्या करवाएंगे? जो दिल करता है कर दीजिए। नहीं नहीं, वो वसीम भाई फिट है, उनको क्या करना है? हाँ, मैं क्या करना है? डॉक्टर तुम लोग, मैं हूँ। एक मिनट मैं बताता हूँ जी। जी आपका सिटी स्कैन आई थिंक विल बी बेटर। हाँ एक मिनट खड़े होइए अकरम साहब। ओहो आपका सिटी स्कैन करते हैं। एब्सोल्युटली फाइन, मुबारक हो, आप ठीक हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू डॉक्टर साहब। दो 500-500 दे दो, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे 2-500 दे देंगे तो मैं आपका वसीम भी ठीक कर दूंगा, अकरम भी ठीक कर दूंगा। डॉक्टर साहब वसीम अकरम ये दोनों यही है, यही का नाम है वसीम। यार हम अपना काम बढ़ाने के लिए तरीके ढूंढते रहते हैं, तुम जब से मोहल्ले में आए हो हमारा काम खराब कर दिया। क्यों याद आ गई तुम्हें तुम्हारी नानी? यार बताओ मुझे, बताता हूँ आपको मैं क्यों नानी। एक मिनट फिजिकल होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ही है, मेरे को पता है। एक मिनट अकरम साहब, लड्डू सच्ची है इसके अंदर, बताओ। अब मैं कबाड़ी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये मैं अगली आगे नहीं आ रहा। अकरम साहब मिलते हैं। वैसे तो दुनिया भर की लड़कियां वसीम भाई पे मरती हैं, लेकिन मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूं जिन पे ये मरते हैं। अरे वाह। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए मिसेस शनैरा अकरम। हेलो, वेलकम। थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट। कैन आई कॉल यू भाभी? यस एवरीवन डज। इन ऑस्ट्रेलिया व्हाट दे कॉल भाभी? आई मीन पाजी बताओ ना थोड़ा, भाभी को क्या बुलाते हो? सिस्टर इन लॉ आई थिंक। ओके या तो भाभी यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम न्यू शो। Too much money by Sony TV. बाल बाल बचे हैं। Do you understand Hindi? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी ना? Same here. Even I know English थोड़ी थोड़ी। भाई मेरी जिद थी, मैंने कहा भाभी को भी लेके आना, पर अभी समय नहीं आ रहा, क्या करें। बात पूछनी थी आपसे, भाभी को थोड़ी थोड़ी आती ना हिंदी, ज्यादा तो नहीं आती ना? थोड़ी थोड़ी। जैसे जैसे हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जी, यहाँ की जो बीवियां होती हैं शक करती हैं ना, या ये भी करते हैं? हाँ ये करती हैं शक। Say the women here in India, in subcontinent, they... Do you doubt him? Doubt their husband a lot with the face. Bobby, you know, when you were outside... Yes. That's all over the world though, isn't it? Yeah. Oh, nice. You know, jab main shaadi kar raha tha, when I was getting married, I thought I'm marrying an Australian, so
you know, it'll be different. But end of the day, aurat aurat hi hoti chahe kisi mulk ke bhi ho. End of the day, women are the same. From, doesn't matter which culture, which countries are they from. After saying that, it's going to be very difficult. Hey! You know, the best relationship, saas aur bahu, is my wife and my mother. My mother is Punjabi. Unko doesn't speak a word of English. Achha. She doesn't speak a word of Punjabi. So my mother just say, love you, love you, love you. And what you say? Love you back. Love you, Didi. Achha, ye best combination hai. Saas ko bahu ki baat nahi samajh aa rahi, bahu ko saas ki ladai honi nahi. Bilkul. Absolutely. Jiska jo dil karta bol jaye. कभी कभी इशारे इशारे गलत भी हो जाते हैं yeah. मान लो अगर कहीं आपकी वाइफ ने आंटी से पूछना हो कि मैं बाहर जाऊं yeah. तो आंटी को लगे मुझे मैं क्यों बाहर जाऊं तू जा गलत भी हो सकता है इट्स डिफिकल्ट सो व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान खाना बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा मैं पाकिस्तान है तो आपको इतनी हिंदी आती मेरे को पहले बता दो मेरा मुंह टेढ़ा हो गया बोल बोल के Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, all such amazing people and so polite and then just, it's just an honor to be in your country. Thank honor, you. Thank you. It's same to you. Who can say so long? So, Paji, when you did this proposal, was it like a normal man or like a cricketer? No, I was, when I proposed her, I bought a ring. अब वो टाइम गया कि माँ से पूछूं कि जी शादी करनी है रिश्ता ले जाए तो फिर मैं घुटने पे गया फिर 15 मिनट बाद घुटने से उठा घुटना दर्द करने शुरू हो गया वो आई नील डाउन एंड प्रॉपरली कहा विल यू मैरी मी अच्छा एंड शी स्टार्टेड लाफिंग ये कहाँ से सीखा आपने फिल्मों फिल्मों ये तो लाहौर में होता ही नहीं है मुझे लगा मे बी इन्होंने कहा हो कि लेट्स स्टार्ट ए इनिंग टुगेदर We will make equal runs and we will produce some little 3 or 4 records. हम देखना चाहते हैं यार कैसा हमारे भाई ने जब प्रपोज किया तो कैसे किया होगा वैसे मैं ऐसे थोड़ा घुटना हवा में रख लो चलो कोई चलो एक बार दोबारा हो जाए चलो we want to recreate the moment. Wait, don't do it again. He couldn't get up last time. ये तो पिछली बार उठा नहीं गया था ओके आई विल डू वन थिंग आई विल प्लेस अ कुशन आइए सर पूरा गुलदस्ता ही दे दो पाजी क्या बाद में फिर यही लगा लेंगे इजाजत है पाजी मैं कहना टका के पाजी एक मिनट I'd marry him a million times if he asked. Hey, wonderful. Million dafa bhi kehte to main tere se shaadi karti. How sweet. अच्छा खांसी में भी बड़ा फर्क होता है ना पैसे वाले लोग हैं ना ये बड़ी बड़ी गाड़ी में वो इतनी खांसी आती हमारे मुंह फाड़ के कहीं तो जुबान गंदे गंदे मुंह बनते कहीं अब देख लो अंग्रेज लोग छींकते भी हैं तो बड़ा छोटी सी हाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया में इफ समबडी विल स्नीज इन ऑस्ट्रेलिया ही विल स्नीज लाइक इन अवर कंट्री वी मेक फेसेस बिफोर 15 मिनट बिफोर वी विल ट्राई टू बिल्ड ए प्लॉट लाइक सॉरी दैट्स ट्रू It's very difficult to sneeze in Asian countries. अच्छा जापानी लोग तो और भी बड़ा टाइट छींकते होंगे ना? Japanese. बड़ी महफिल में मीटिंग में भी कर सकते हैं. हेलो वसीम भाई कैसे हैं आप? क्या हाल है जी आपका? बिल्कुल जी चाल. भाभी नमस्कार. कैसी हैं आप? ओए हाँ जी.
हाँ भी तू कैसे तू ज्यादा रिश्तेदार बन रहा है बोल मालिक मालकिन बोल तू क्या तू अच्छा पाजी मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जब एक फॉरेनर और एक फॉरेन जाने वाला बंदा बात कर रहे होते हैं तो बीच में स्ट्रीट लेवल के बंदे बात क्यों करते हैं ये जाएगा फॉरेन पाजी इसका 4 बार वीजा रिजेक्ट हो चुका है भूटान का भूटान का इस बार तो ना जो ऑफिसर था ना उसने इसके मुंह पर रिजेक्शन मारा अजय ऐसा कुछ नहीं हंसाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं फिर भी ये बोल दिया कि मुंह पे ठप्पा लाया जहां असली लगाया था ना मैं बता दूं ना हंसी फिर ज्यादा आएगी खैर बाबी जी आप चाय के साथ क्या लेंगी यस प्लीज ओए वो ऑस्ट्रेलिया से इंग्लिश में बात कर ओके आप चाय के साथ क्या लेंगी ये कौन सी इंग्लिश ऐसे कौन बोलता है क्यों मैंने लगान पिक्चर देखी है उसमें सारे अंग्रेज ऐसे इंग्लिश बोल रहे थे वेल भाभी जी व्हाट वुड यू अपना चाय के साथ क्या लेंगी शक्करबारा मठियां नान खटाई कुछ नहीं शुक्रिया नान खटाई भी नहीं यू नो अबाउट नान खटाई हाँ नान खटाई इज जस्ट लाइक बिस्कुट Is it is biscuit biscuit. चीनी वाला. चाय में डालकर ज्यादा देर डालो तो उसका नीचे वाला हिस्सा बीच में गिर जाता है. Made up of maida. Maida means cousin of atta. it has got swelling problem like. And lives in Mardaban for the 5 years. Like he lived in a pipe for 10 years. Now you know he has a huge fan following in rats and mosquitoes. Shut up, go and die. Okay, you shut up. Babi, main bhi lekar aata hu chai aapke liye. And da. कपिल शर्मा तुम्हारे भैया से लड़ाई हो गई हमारी कोई नहीं मैं फोन करके समझा दूंगा इतना मूड नहीं खराब करना वो फोन नहीं उठाएंगे क्यों बेहोश है ना हमने ईंट दे के मारी थी उनके मुंह पे अरे वाह अकरम साहब बैठे हैं मिसिज अकरम भी आए हैं हमको रिंकू कहते हैं और ये जो सामने बैठे हैं सिद्धू साहब उठो को ताली कहते हैं आपको स्विंग का सुल्तान कहते हैं और हम आपको हाउ डू यू डू कहते हैं बस करो ना भाभी कितना बोलती जा रही हो अच्छा क्यों ना बोले हम तो बोलेंगे अरे भाई तुम कह रहे हो ना बोलो हमारे पति कह रहे ना बोलो हम नारी का आवाज दबा दोगे क्या आवाज तो तुमने खुद ही दबाई हुई वरना हमको पता ही कैसी है हम आपके बहुत फैन हैं Thank you. हमारे पास ना ये देखो आपका एक फोटो भी है दिखाइए ऐसी करते तो अपने पति के साथ करनी चाहिए तुम्हें नहीं वो बहुत बदतमीज आदमी है पता है क्या करता है क्या हमने उसे कहा हमको गर्मी लगती है हमको एसी ला के दो तो हमको ला दिया हमने कहा पंखा ला के दो ला दिया मोबाइल ला के दो ला दिया ये तो अच्छी बात है ना अरे हम जैसी औरत की सब बात मान रहा है उस आदमी का स्टैंडर्ड क्या होगा बताओ पति को थोड़ा जलाओ अपने को स्टॉप पे रख दे उसको जेलसी होगी ना मतलब अच्छा वो वाला और की तरफ देखो उसको जेलसी होगी फिर वो तुम्हें तंग नहीं करेगा अच्छा एक काम कीजिए यू गिव योर हस्बैंड टू मी 10 मिनट के लिए और हम किसी का एहसान नहीं लेते ये हमारे साइकिल की चाबी रख लो लो पकड़ो रखो आओ जलाते हैं 10 मिनट हमारे 10 minutes you're giving me away आ जाओ जला देते हैं
be jealous. She's not pure. Kapil Sharma. Yeah, जरा चुप रहो बदतमीज प्योर प्योर क्या प्योर शुद्ध देसी घी खाते हैं हम तो क्या किसी के पति के डोरे डालते अच्छा लगता है अरे कोई बात नहीं भरपाई कर देते हैं सुनो भाभी इधर आ अरे सुन तो लो हमारी बात देखो हम तुमको गाना सिखा देते हैं आओ चम्मच पकड़ लेती हो Can you hold the spoon? You just have to hold like this and do the ta-ta-ta on that. You sit on the chair. ऐसा ऐसा करना है हम बजाएंगे इसको ठीक है हमको बजाने तो दो I know this song. I'm sure. एक और गाना है और सिखा दें तुमको हमारे पीछे पीछे बोलो ठीक है? No. Okay, ready? My husband can sing. No, I can't. हमारे अंदर का पुरुष चाहता है कि आप ही गाएं. I bought a mobile. You sing. I bought a mobile. English ball. This is peer group pressure. What? This is peer group pressure. It's not bigger than India-Pakistan match. Say, so I bought a mobile. A mobile. Sing. I bought a mobile. तो ठीक है बॉट ए मोबाइल तो हम आपको एसएमएस भेजते हैं थोड़े दिन में ठीक है नो प्रॉब्लम चलो अब हम चलते हैं जब भी आपको हमारा याद आए तो ऐसे ऐसे कर लीजिएगा अल्लाह रहे सॉरी भाभी आई डोंट थिंक शी लाइक्स मी वेरी मच वसीम भाई के बारे में सब जानते हैं कि ये डायबिटीज को लेके लोगों को बहुत अवेयर करते हैं और शनैरा जो है वो भी बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं सो मुझे लगता है कि ये हमारे आइडियल्स हैं बहुत अच्छा काम करते हैं हम लोगों को भी जब कभी किसी के लिए कुछ करने का मौका मिले जरूर करना चाहिए ताकि आपकी वजह से किसी और का भला हो सके सो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थैंक यू वसीम भाई थैंक यू शनैरा आप लोग हमारे शो में आए हमें बहुत अच्छा लगा जाने से पहले मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है जी जी बिल्कुल Thank you. Pleasure. बाजी, आप जब भी आते हैं हमेशा चार चांद लग जाते हैं बाजी थैंक यू सो मच बहुत बहुत बाजी हाँ जी आज मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन एक्टर के साथ मिलाना चाहता हूँ जो हिंदी फिल्मों में तो धूम मचा ही रहे हैं साथ साथ पंजाबी फिल्मों में उन्होंने बड़ी धूम मचाई हुई है बड़े ही कमाल के एक्टर हैं बड़े ही हैंडसम हैं और आज वो हमारे शो में आ रहे हैं अपनी पंजाबी फिल्म बैसाखी लिस्ट के लिए सो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हैंडसम मैन वर्सेटाइल एक्टर जिमी शेरगिल के लिए पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में जिमी पाजी की फिल्म जो है बैसाखी लिस्ट वो रिलीज हो चुकी है और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं पाजी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी इससे पहले कि वी गो एड हैट्स ऑफ टू यू ऑल आप लोग जो कर रहे हो ये चीज पता नहीं मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ शायद कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं कि इस बात को सोच के कि इंसान को सोने से पहले अगर आप लोग हंसा सकते हो और वो चैन की नींद सो सकता है सिर्फ हमारे देश में नहीं मैं बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ शुक्रिया भाई थैंक यू और मैंने ऐसी ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेज देखे हैं जहाँ पर कि साउथ ईस्टर्न पीपल आर वॉचिंग योर शो एंड स्टफ लाइक दैट सो आई थिंक व्हाट यू हैव अचीव्ड आई डोंट थिंक एनीबडी इज आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ओवर हियर एंड थैंक यू फॉर हैविंग प्लेजर प्लेजर भाई आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए आपका कोई गॉडफादर था या आप अपनी मेहनत से कैसे आए आप मैं
एक फिल्म देख रहा था जी और उसमें मिथुन दा जी जी वो एक गाना गा रहे थे जिमी 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 आजा 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 जिसको वो फिल्म देखने के बाद मैंने ये कहा कि इतना बड़ा आदमी मुझे बुला रहा है तो मैंने सोचा कि अब जाना तो बनता है पाजी मैंने कभी इनका कभी किसी के साथ अफेयर नहीं सुना आज तक कभी आज तक कोई लफड़ा नहीं सुना पाजी नहीं ऐसे पाजी आप सच्ची में शरीफ हैं कि कभी पकड़े नहीं गए मैं इसीलिए भाग रहा पाजी आपकी फिल्म में सुनील ग्रोवर नाम का एक आदमी भी है पागल सा क्या चल रहा सुनील ग्रोवर हैं आप डॉक्टर साहब आपकी बात नहीं हो रही हम लोग बोल रहे हैं कि सुनील ग्रोवर नाम का आदमी किनकी फिल्म में है बड़ा बेकार आदमी देखो मैं द कपिल शर्मा शो सुनो मेरी बात तुम ना इनको कुछ भी कह लो पर सुनील ग्रोवर को कुछ नहीं कहना ठीक है मैं यहाँ पे जान दे देनी है अगर सुनील ग्रोवर को कुछ कहा तो He's a very nice gentleman. Cute banda, cute. Very good nature. And gents, ladies, both comfortable. Picture mein role bada zabardast kiya usne. What a performance! Aap kaise jante hain Sunil Grover ko? Hamara ration card same hai na? एक बार जिमी पाजी के लिए जोरदार तालियां और सुनील ग्रोवर के लिए रहने दो सुनील ग्रोवर के लिए एक बार जोरदार तालियां हां भाई मारो जिमी पाजी के साथ सुनील ग्रोवर भी एक बहुत ही अहम किरदार निभा रहे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वैसे तो लोग ऑलरेडी इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने अभी नहीं देखी वो जाके देखे और एंजॉय करें अपने परिवार के साथ थैंक यू सो मच जिमी पाजी शो में आने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली तमाम फिल्मों के लिए डॉक्टर साहब सुनील ग्रोवर इज अ गुड मैन ऑलवेज रिमेंबर दैट मान गया हैं चलो जी आप सब लोग इसी तरह हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए गुदगुदाते रहिए और शनिवार और रविवार रात 9 बजे सोनी टीवी पे आते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो गुड नाइट फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़